संधियों में गठित शब्द नाम है। मेरे प्राणों की संधियों में गठित एक शब्द नाम है जिसका उच्चारण मैं कुछ बाबा सा करती हूँ, जिसका उच्चारण मैं कुछ बाबा सा करती हूँ। वो बड़ी सूक्ष्मता से मेरे हृदय की हर शिराओं में स्थित है। वो बड़ी सूक्ष्मता से मेरे हृदय की हर शिराओं में स्थित है। उस बात का बखान आज मैं सफलता में पड़ी हूँ, जिसका उच्चारण मैं कुछ बाबा सा करती हूँ। उस नाम की ध्वनि मात्र से मेरा हृदय कुछ श्वासों की वृत्ति से गुजरता है। उस नाम की ध्वनि मात्र से मेरा हृदय कुछ श्वासों की वृत्ति से गुजरता है। उनके करीब होने से मेरी जमीन पर संतोष का सूर्य रश्मि सा उभरता है। उनके हाथों की उंगलियों में भी धड़कन है। हाँ, मैंने महसूस की है जब जब भी उन्हें थामा है, क्योंकि सिर्फ वही तो थे जिन्होंने मेरी हर चोट को अपने होठों की फूंक और उंगलियों के मध्य से जाना है। बस वही नाम लिए मैं अपने हर पद पर आगे बढ़ी, जिसका उच्चारण मैं कुछ बाबा सा करती हूँ। मैं मेरे बाबा की बेटी हूँ ये कहूँ, या खुद को सुदृढ़ दिखाने के लिए मैं मेरे बाबा का बेटा ये कहूँ। मैंने पूछा मेरे बाबा से कि बोलो ना बाबा, मैं क्या कहूँ, बोलो ना, जिसे आपको ये संसार के कमजोरी के शब्द न सुनने पड़े, जिससे आपको मेरे विवाह के लिए कोई भी चिंताओं का दहेज न बनना पड़े, जिससे आपको मेरे किसी भी कार्य के लिए जवाबदेह न बनना पड़े, जिससे आपको मेरे श्रृंगार का बोझ अपने कांधों से न ढोना पड़े। बोलो ना बाबा, मैं क्या बनूं? अगर तुम कहोगे तो मैं केश उतार दूंगी, चूड़ी, ये कंगन, ये बिंदी सब पार दूंगी, और अपनी देह को किसी आसमानी आंचल से नहीं, अपने तुम्हारे किसी मर्दाने कुत्ते से ढकूंगी, अपने भावनाओं के नए किसी भी पुरुष की ओर नहीं करूंगी, और अपनी चाल में किसी हिरण सा नहीं, अभी तुम बाघ सा दे, मैं वही बनूंगी। बाबा मुस्कुराए और बोले, पागल, ना तो मुझे तेरे बेटे बनने से कोई भी गर्व है, और ना ही मेरा तेरे बेटे होने पे गर्व है, ना तो मुझे तेरे बेटे बनने से कोई गर्व है, और ना ही तेरा बेटी होना मेरे लिए कोई गर्व है। तू तो मेरा एक अभिन्न अंग है, बस यही तो मेरे लिए सर्वस्व। ये संसार तो दृष्टि बाधित है मेरे बच्चे, जो लिंग भेद में क्रुद्ध क्रूर है, और ना जाने क्यों लड़कों को लड़कियों से ऊपर साबित करने में चराचर चूर है। बस उनका वही वाक्य लिए मैं अपने हर काव्य में ये गढ़ती हूँ, जिसका उच्चारण मैं कुछ बाबा सा करती हूँ। आज बाबा ने अपनी बेटी के लिए खाद चुन लिया था, जो रहे हर दम उसके साथ, वो साथ चुन लिया था। उसने हाथ की लकीरों को ग्रंथ के हर ज्ञाता से कुरेदवाया, अपने सजोए स्वप्न के हर संभावित संवेदनाओं से सजाया, वो अपने हृदय से मेरी हथेली निकाल कर उस हाथ पर रख गया, जैसे कोई तीखा विष वो हंसते हंसते चल गया, और अंतिम विदा से पहले मेरे हाथ में उनकी उन्हीं धड़कनों को छूते हुए बोला कि बाबा आप मेरी चेतना के प्राण हो, मेरे हर भेद में समान हो, मेरी त्रुटियों से मिला मुझे अथाह ज्ञान हो, आप मेरा मान, आप मेरा सम्मान हो, और इस साथी से भी पहले आप मेरे हर क्रियाओं के काम हो। और ये बात कहने में मैं जरा भी सकुचाया नहीं करती हूँ,
मैं जरा भी सब उचारण नहीं करती हूँ जिसका उच्चारण मैं कुछ बाबा सा करती हूँ। उच्चारण मैं कुछ बाबा सा करती हूँ। वो मेरे फोन की घंटी से जरा घबरा जाते हैं, वो मेरी फोन की घंटी से जरा घबरा जाते हैं। मेरा स्वर स्वर सुन के ही वो चैन पाते हैं। मेरी फिक्र उनके चक्षु में हर पहर टहलती है, मेरी फिक्र उनके चक्षु में हर पहर टहलती है। सिर्फ मेरी ही खबर है जो उनकी ऐनक और अखबार से निकलती है, सिर्फ मेरी ही खबर है जो उनकी ऐनक और अखबार से निकलती है। मैंने नहीं देखा आज तक जो कोई मुझे मेरे बाबा से प्यार कर सके, मैंने नहीं देखा आज तक जो कोई भी मुझे मेरे बाबा से प्यार कर सके। अपनी जेब में पड़े दो सिक्के, अपनी जेब में पड़े दो सिक्के भी मुझ पर खुशी खुशी कार कर सके। वही तो है, वही तो है जो मुझे मेरे अस्तित्व का संज्ञान कराते हैं, वही तो है जो मुझे मेरे अस्तित्व का संज्ञान कराते हैं। और सर्दियों में भी बैठ कर छत पर मेरे लिए आग की तरह चलाते हैं, और सर्दियों में बैठ कर छत पर मेरे लिए आग की तरह चलाते हैं। बस बस इसीलिए मैं शायद मोहब्बत सिर्फ उन्हीं से करती हूँ, और बस इसीलिए शायद मैं मोहब्बत सिर्फ उन्हीं से करती हूँ जिसका उच्चारण मैं कुछ बाबा सा करती हूँ।